तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं चेंज इन कंडीशन, ये मैंने यूज़ किया हुआ था गियर ऑयल। तो गियर ऑयल के बाद में एक चीज़ तो है कि इसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं, मैं हटाता हूँ यहाँ से, रस्ट नहीं लगा हुआ है मगर डस्ट बहुत लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको जल्दी से क्लीन करते हैं और फिर हम यूज़ करने वाले हैं जेल बेस फार्मूला। तो क्लीन कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा चेंज कंडीशन, एंड इसमें हम जो क्लीनर यूज़ करने वाले हैं वो है कंगारू का क्लीनर। कंगारू क्लीनर बहुत अच्छा है, आप डीजल पेट्रोल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ। एंड जो मैंने जेल बेस फार्मूला बोला था ये भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से चेन लूप करता है। तो चलिए क्लीन करते हैं इसको। क्लीन करने के लिए कुछ नहीं है, एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि बाइक स्टार्ट करके कभी भी चेन लूप मत करिए। इस एरिया में बहुत लोगों का फिंगर जो है, उंगली जो है कटती है, तो वो बिल्कुल ना करिए। एक ईजी क्लोथ ले लीजिए, ठीक है, कोई भी अनयूज्ड क्लोथ जो है वो आप ले सकते हैं, एंड उससे हम ये पूरा जो है पहले क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद मैं स्प्रे करूँगा, उसके बाद हम दोबारा क्लीन करेंगे, फिर हम लूप करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने अभी जस्ट इस पर सिर्फ क्लोथ ही लगाया हुआ था एंड चेन जो है ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। अब देखिए चेन में ना रस्ट नहीं लगा। तो गियर ऑयल का एक फ़ायदा ये है कि इसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता, एंड रस्टिंग ही एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हम इसके सेंटर में यहाँ पर ऑयल लगाएंगे तो चेन लूप होगा, तो वो नहीं होता। चेन लूप इज़ फॉर रस्ट। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा भी फ्रिक्शन जैसे ही इसके बीच में आता है ना, तो बोल रहा हूँ कि आप 3-4 किलोमीटर चलाते हैं और सारा ऑयल जो है यहाँ से निकल जाता है, तो इसके लिए नहीं होता है। मेन चीज़ इस पर रस्ट ना लगे उसके लिए होता है। तो दोस्तों अब मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ ये इस तरह का ये प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं चेन पे कैसा लगता है। दोस्तों चेन लूप जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं चेन लूप, चेन की कंडीशन, चेन अच्छी शाइन भी कर रही है, कोई भी रस्ट एरिया भी नहीं है। तो क्लीनिंग और लूप दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने अभी लूप यूज़ किया है, जेल बेस फार्मूला है, वो थोड़ा चिपचिपा है, तो इसी की वजह से इस मेटल पर ये लॉन्ग टाइम चिपकता भी है। अगर आपके एरिया में डस्ट ज़्यादा उड़ता है तो थोड़ा डस्टी भी होगा, बट डस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, रस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, रस्ट से जो लॉक होता है ना, क्या है, डस्ट तो क्लीन जल्दी जल्दी हो जाता है मगर रस्ट जो है वो उसको क्लीन करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए 1.5 से 2 महीना आराम से इसको यूज़ करते हैं विदाउट एनी लुब्रिकेशन, आप इसको बिंदास यूज़ करते हैं क्योंकि मेटल पे अच्छे से चिपकते रहता है, लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है, एंड जैसे हमने देखा कि ईजी भी है और चीप भी है। मतलब आपको सिर्फ एक लाइन जो है, लेयर जो है इनसाइड में कवर करनी है, दैट्स इट।